सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना, करण और नैना को होली के दौरान ले आती है काफी करीब। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में चल रहा है होली की मस्ती और ड्रामा। शो में चौहान्स की बहुओं की पहली होली होती है, तो ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा चौहान परिवार होली मनाने के लिए तैयार है और सभी लोग होली के रंग में बहुत सारी मस्ती करते हैं। मेघना और कुणाल भी एक दूसरे को होली विश करते हैं, लेकिन नैना आज कहीं कोने में गुमसुम से बैठी है। एक्चुअली नैना बहुत अपसेट है क्योंकि करण होली नहीं खेल रहा है और वो अपने कमरे में अकेले बैठा है। नैना भी करण के साथ होली खेलना चाहती है। ऐसे में मेघना नैना के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो इतनी सैड क्यों है। नैना मेघना को बताती है कि वो इसलिए सैड है क्योंकि वो करण के साथ होली खेलना चाहती है, लेकिन करण अपने कमरे में ही बैठा है और वो होली खेलना नहीं चाह रहा है। ऐसे में मेघना डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन नैना की लाइफ में खुशियां ले आएगी और वो दादाजी से बात करती है कि वो करण को बुलाए होली खेलने के लिए। दादाजी करण को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि उसे भी होली खेलनी चाहिए, इस रंग के त्योहार को एंजॉय करना चाहिए। नैना फाइनली करण को अपने साथ देकर बहुत खुश हो जाती है और फिर मेघना, कुणाल, नैना और करण मिलकर करते हैं होली में डांस और करते हैं खूब एंजॉय। शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना, करण और नैना को होली के दौरान ले आती है काफी करीब। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में चल रहा है होली की मस्ती और ड्रामा। शो में चौहान्स की बहुओं की पहली होली होती है, तो ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा चौहान परिवार होली मनाने के लिए तैयार है और सभी लोग होली के रंग में बहुत सारी मस्ती करते हैं। मेघना और कुणाल भी एक दूसरे को होली विश करते हैं, लेकिन नैना आज कहीं कोने में गुमसुम से बैठी है। एक्चुअली नैना बहुत अपसेट है क्योंकि करण होली नहीं खेल रहा है और वो अपने कमरे में अकेले बैठा है। नैना भी करण के साथ होली खेलना चाहती है। ऐसे में मेघना नैना के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो इतनी सैड क्यों है। नैना मेघना को बताती है कि वो इसलिए सैड है क्योंकि वो करण के साथ होली खेलना चाहती है, लेकिन करण अपने कमरे में ही बैठा है और वो होली खेलना नहीं चाह रहा है। ऐसे में मेघना डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन नैना की लाइफ में खुशियां ले आएगी और वो दादाजी से बात करती है कि वो करण को बुलाए होली खेलने के लिए। दादाजी करण को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि उसे भी होली खेलनी चाहिए, इस रंग के त्योहार को एंजॉय करना चाहिए। नैना फाइनली करण को अपने साथ देकर बहुत खुश हो जाती है और फिर मेघना, कुणाल, नैना और करण मिलकर करते हैं होली में डांस और करते हैं खूब एंजॉय। शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।